जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप लोग? सो ये लेसन नंबर 12 हमारे हाउ टू रीड म्यूजिक का, और आज के लेसन में हम लोग बात करने वाले हैं टाइज एंड डॉट्स के बारे में। सो इससे पहले करीमा आप लोगों को 11 लेसन करा चुका हूँ इस प्लेलिस्ट में, तो प्लीज पहले वो 11 लेसन देख लेना। सबके लिंक्स आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ऊपर आई बटन में मिल जाएंगे, क्लिक मारो, स्टार्टिंग से स्टार्ट करो, तभी ये लेसन समझ में आएगा। डायरेक्ट इस लेसन को देखोगे बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है। अभी हम लोग बात करने वाले टाइज एंड डॉट्स के बारे में। इसका हल्का सा आप लोगों को ब्रीफली हल्का सा बता देता हूँ क्या होता है, उसके बाद हम लोग इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो टाइज एंड डॉट्स आप लोगों के यूज आते हैं किसी भी नोट वैल्यू को लेंथनन करने में। मतलब अगर आप लोगों का कोई ऐसा नोट है जिसको आप लोग हल्का सा और फ्रैक्शंस के लिए बजाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप लोग टाइज एंड डॉट्स का यूज करते हैं, जो कि एक नॉर्मल जो नोट वैल्यू होती है उससे जस्टिफाई नहीं हो पाती या फिर सिंबलाइज नहीं हो पाती। क्या कह रहा हूं मैं ढंग से बताऊंगा आप लोगों को यहाँ पर शो करके, ठीक है। बट उससे पहले मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूँ, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं मारा तो प्लीज सब्सक्राइब मार दीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी थ्योरेटिकल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस रेगुलर बेसिस पर लाते रहता हूँ, और ऐसी थ्योरेटिकल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों को और चैनल्स पर नहीं मिलेंगे। सो अगर आप लोग चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब मार सकते हैं। प्लस मेरे फाउंडेशन गिटार कोर्स भी है जिसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप लोग ऐसे गिटारिस्ट हैं जिसको हल्का हल्का गिटार बजाना आता है बट वो आगे ग्रो नहीं कर पा रहा है, तो उस कोर्स में मैंने आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस दे रखी है एक अच्छे खासे गिटार लेवल तक, और हम लोग उसमें आगे बढ़ते चले आ रहे हैं। अभी तक करीब 75 वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। तो 199 पर मंथ का कोर्स अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहें तो सब्सक्राइब बटन के जस्ट साइड में आप लोगों को ज्वाइन बटन मिल जाएगा, उसमें क्लिक मार के आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। अभी बात करते हैं हम लोग टाइज एंड डॉट्स के बारे में, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग टाइज के बारे में, ओके। सो टाइज बिग टी, ओके। सो आप लोगों को इतना तो पता होगा कि जो आप लोगों का क्वार्टर नोट होता है जिसे हम क्रोचेट कहते हैं, ठीक है, जिसका सिंबल कुछ ऐसा है, यहाँ पे भी आप लोगों के बने हुए दिखाई दे रहे हैं तीन, तो इसकी जो वैल्यू होती है अगर हम लोग बीट्स के हिसाब से बात करें, जैसे 1 2 3 4, तो पर बीट ये एक बार बजता है, ठीक है। मैंने आप लोगों को पिछले लेसन में भी ये चीज समझाई थी, आप लोग उसको दो वैल्यू से डिनोट कर सकते हैं, या तो 1/4 या फिर 1, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को ज्यादा आसानी होगी 1 से समझाने में, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को ऐसे समझा रहा हूँ, ठीक है। हम लोग पर काउंट में इसे एक बार प्ले कर सकते हैं, तो अगर हम लोग इनको गिनते हैं एक बार, ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो रहा है 1+1, ठीक है, 1+1+1। अब यहाँ पर आप लोगों का होल नोट है जो इसका जस्ट डबल होता है, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2+, ऊपर वापस 1+2, तो अगर आप लोग ढंग से देखें तो ये इक्वल टू आ रहा है 8, ठीक है। मतलब 8 4/4 में 8 का मतलब है कि आप लोग 2 मेजर्स को एक साथ बजा रहे हैं, बस बीच में कोई मेजर लाइन नहीं है, जो कि गलत है। तो आप लोग यहाँ पर जो आप लोगों का हाफ नोट है इसे ऐसे दिखा नहीं सकते। हम लोग चाहते हैं कि ये नोट जो है वो हाफ नोट जैसे साउंड करे, जैसे कि कभी कभी म्यूजिक में क्या होता है हमारी मेजर लाइंस बीच में आ जाती हैं, हम लोगों को जो प्ले करना है वो प्ले नहीं करने देती। जैसे अगर हम लोग यहाँ पर बेसिकली प्ले करना चाह रहे हैं टन 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 टन, मतलब हम लोग चाहते हैं कि ये वाला जो नोट है जो कि मेजर के लास्ट फोर्थ बीट में आ रहा है वो हल्का सा लंबा साउंड करे, वो क्रोचेट की तरह साउंड ना करे, वो साउंड करे हाफ नोट की तरह, तो हम लोग कुछ ऐसे बना रहे हैं, बट ये बेसिकली रॉन्ग है, आप लोग इसे ऐसे शो नहीं कर सकते, ठीक है। उसको शो करने के लिए एक दूसरा वे आप लोग ढूंढेंगे कि आप लोग दो हाफ नोट्स लगा देंगे, बीच में एक मेजर मार देंगे, बट ये अब कैसे साउंड करेगा टन 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 टन, मतलब बेसिकली ये क्या हो रहा है, यहाँ पर आप लोगों के दो नोट्स की आवाज आ रही है, जब लोग आप लोग चाहते हैं कि सिर्फ एक नोट की आवाज आए और वो दो नोट्स के टाइम पीरियड तक रहे, मतलब नोट की आवाज सिर्फ इसकी आए और जाए यहां तक, ये नोट वापस से ना बजे, ये जैसे कि यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हो टन टन दो बार बजेगा और यहाँ पर सिर्फ एक बार बजा था। हम लोग चाहते हैं साउंड ऐसा रहे बट रूल्स भी ना टूटे, तो वहां पर हम लोग यूज करते हैं इस चीज का जिसे हम कहते हैं टाई। तो दो नोट्स के बीच में ऐसे टाई लगा देते हैं हम लोग। इससे फायदा क्या होता है कि आप लोग जो ये वाला नोट है सिर्फ ये वाला नोट बजाएंगे और आवाज इसकी बसते रहेगी यहां तक, ठीक है, ये आवाज बसते रहेगी, ऐसे नहीं कि ये नोट दो बार बजेगा टन टन, ये सिर्फ एक बार टन बजेगा फिर टन टन, ठीक है। तो आप लोग समझ रहे होंगे कि ये कब काम आता है, जब आप लोग चाहते हैं कि आप लोग मेजर वाला रूल भी ना तोड़े और आप लोगों का नोट डबल की तरह साउंड करे, ठीक है, ढंग से समझना। ये जो है आप लोगों का जो क्वार्टर नोट है, ठीक है, अगर आप लोग इसे दो बार बजाते हैं और बीच में एक टाई लगा देते हैं तो ये किसकी तरह साउंड करेगा, एक हाफ नोट की तरह साउंड करेगा, ठीक है। ये नोट जो है वो भी अगर हम लोग पर सेकंड एक क्रोचेट बजा रहे हैं तो ये भी 2 सेकंड बजेगा और ये भी 2 सेकंड बजेगा, और दोनों की साउंड बिल्कुल सिमिलर होगी, एक पॉइंट भी डिफरेंस नहीं होगा, बस हमने इसे क्यू यूज किया बिकॉज बीच में एक मेजर लाइन थी और हम लोग नहीं चाहते थे कि यहाँ पर इसकी वजह से रूल टूटे, बिकॉज हम लोग ऐसे किसी हाफ नोट को दो हिस्सों में नहीं बांट सकते मेजर लाइन की, ठीक है, तो इसलिए हम लोग इसे यूज करते हैं। अब एक चीज है कि क्या हम लोग सिर्फ मेजर लाइंस के बीच में नहीं यूज करते हैं, तो नहीं, आप लोग नॉर्मली भी नहीं यूज कर सकते हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं है, बस हाँ एक सेम नोट के लिए होना चाहिए, जैसे कि ये नोट और ये नोट दोनों सेम होने चाहिए, आप लोग इसे कहीं पर भी यूज कर सकते हैं।
और अगर आप लोग किसी डिफरेंट नोट के लिए यूज करते हैं तो ये भी है, बट इसे फिर टाई नहीं कहते, इसे स्लर कहते हैं, जिसके बारे में हम लोग आगे के लेसन में बात करेंगे, अभी इसके बारे में हमें नहीं सुनना है, ठीक है। ये हल्का सा आगे का कंसेप्ट है। यहाँ पर हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसमें हम लोग एक नोट से दूसरे नोट में जस्ट स्लाइड मार के जा सकते हैं, जैसे कि आप लोगों का वायलिन हो गया या फिर जो बिग बेस आते हैं उनमें आप लोग क्या कर सकते हैं, सीधा स्लाइड मार के आपको ऐसा लगेगा भी नहीं कि नोट चेंज हो रहा है, बट नोट चेंज हो जाएगा, तो वहां पर आप लोग इस स्लर का यूज करते हैं। बट ये आगे का कंसेप्ट है, इसके बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पर बेसिकली क्या है, बस एक नोट बसते चला जा रहा है और इसकी जो वैल्यू आ रही है वो 1+1 2 की आ रही है, ठीक है। और साउंड ये सिर्फ एक बार करेगा, दो बार नहीं करेगा। अगर हम लोग इसको हटा देते हैं तो ये कुछ ऐसा साउंड करता है टिन टिन, बट अगर हम लोग इसे लगा देते हैं तो जितने में टिन टिन हुआ उतने में सिंगल टाइम बजेगा टिन, ठीक है। ये चीज आप लोग समझ रहे होंगे। तो ये कब यूज होता है, जब आप लोगों के बीच में एक मेजर लाइन चाहिए होती है और आप लोगों को इसकी साउंड डबल करनी होती है, या फिर आप लोग बीच में भी इसे यूज कर सकते हैं, ठीक है, नो इशू। अभी एक और रूल है जो मैं आप लोगों को समझा देता हूं, पहले से रेस कर देते जिससे ज्यादा मैस ना बन जाए, हो करता यहां तक आप लोगों को बिल्कुल ढंग से समझना आया होगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं इसी के बारे में हल्का सा और, फिर हम लोग बात करेंगे डॉट के बारे में। ऑलराइट, ओके ओके ऑलराइट। सो अब बात कर लेते हैं कि कुछ और रूल्स हैं जो आप लोगों को ध्यान रखने हैं जब आप लोग इन टाइज को बना रहे हैं। सबसे पहली बात, जो टाई है आप लोगों की, जैसे कि ये दो नोट्स हैं, तो कभी भी टाई आप लोगों की हेड टू हेड बनती है, टेल टू टेल नहीं बनती है, ठीक है। तो इतना ध्यान देना, अगर आप लोगों को कहीं पर टेल टू टेल दिखाई दे रही है या फिर आप लोग बना रहे हैं तो वो गलत माना जाएगा, ये राइट है। और अगर आप लोग इसे ऐसे बना रहे हैं तो ये रॉन्ग है, ठीक है, इतना ध्यान देना। अब अगर आप लोगों को कहीं पर दो एक साथ आ जाती है, जैसे कि एक आप लोगों का नोट ये है और इसी के जस्ट ऊपर एक दूसरा नोट है और दोनों ने एक साथ प्ले करना, जैसे कि कॉर्ड हो गई या फिर कोई पावर कॉर्ड हो गया, ठीक है, और आप लोगों को एक साथ प्ले करना और चाहते हैं कि वो सस्टेन रहे, ठीक है, लाइक दिस, तो आप लोग क्या करेंगे, यहां से नीचे से और यहां से ऊपर से, तब भी आप लोग स्टेम्स का यूज नहीं करेंगे, यूज करेंगे इसका हेड का, ठीक है, तो टेल का यूज नहीं करेंगे, तब ध्यान देना। तो ये एक रूल है जो आप लोगों को पता होना चाहिए। अब बात आती है कि चलो नोट्स की भी बात हो गई, अब बात करते हैं रेस्ट की, क्या हम लोग रेस्ट को भी इन जो लाइन्स से यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। जैसे कि अगर आप लोगों का एक क्रोचेट है, ठीक है, क्रोचेट ऐसे और दूसरा क्रोचेट रेस्ट है और इन दोनों के बीच में एक वो है मेजर लाइन, तो क्या हम लोग ऐसा इसे दिखा सकते हैं। तो आप लोगों को इसको हल्का सा सेंस से सोचना होगा कि क्या जरूरत है इस चीज की, ठीक है। अब आप लोग या तो ये प्ले कर लें या फिर ये प्ले कर लें, ठीक है, ये दो है, क्या इन दोनों में कोई डिफरेंस है, नहीं, दोनों बिल्कुल सेम है। कैसे, बिकॉज ये एक रेस्ट है, इनकी कोई नोट वैल्यू नहीं है। वहां पर हमारा नोट होता था, जैसे कि एक ये नोट है, ठीक है, दूसरा एक नोट है और यहां पर एक नोट है और दूसरा एक नोट है, ऑलराइट, ध्यान से सुनो जो कि मैं आप लोगों को बता रहा हूं। तो यहां पर क्या होता था आप लोगों का, अगर आप लोग दो नोट ऐसे दिखा रहे हैं मेजर लाइन के बीच में, तो आप लोगों का ये दो बार सुन रहेगा टिन टिन, जो कि आप लोगों को नहीं चाहिए। यहां पर क्या कर रहे हैं, साउंड करके जो कि हमें चाहिए, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इसे यूज करते हैं, हम लोगों को दो बार साउंड नहीं चाहिए, हमें सिंगल साउंड चाहिए, इसलिए हम लोग इसे टाई से जोड़ देते हैं और ये दो के बराबर बसता है, बट सिर्फ एक बार बसता है। लाइक अगर ये बज रहा है दो सिंगल टिंग टिंग, तो ये सिंगल दो सिंगल बजेगा टिंग, ठीक है, समझ गए होगे। अब बात करते हैं रेस्ट की, तो रेस्ट क्या है, रेस्ट एक ऐसा सिचुएशन है जहां पर कुछ भी नहीं बज रहा है, साइलेंस है। जैसे कि अगर इससे पहले तीन नोट्स लगे हैं लाइक दिस, वन नोट, टू नोट, थ्री नोट, तो क्रोचेट है, तो मतलब ये 1+1+1+1 हो गया, ठीक है, ये भी क्रोचेट रेस्ट है, तो ये पूरा मेजर बना रहे हैं 4/4 का, ओके। तो यहां पर ये कुछ ऐसा सम रहेगा टिन 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 टिन, मतलब बीच में एक रेस्ट की आवाज आ रही है। अब अगर हमारे पास दो रेस्ट एक साथ है टाई करे हुए कैसे भी, तो इनकी साउंड किसी होगी। अगर हम लोग इसके पीछे भी लेट्स जस्ट इंप्रोवाइज इट अ बिट, ठीक है, जैसे कि हमारी ये तीन नोट है, इसके बाद एक रेस्ट है और इसके बाद तीन नोट्स है लाइक दिस, और ये सारे नोट्स बिल्कुल सिमिलर है, ठीक है, 6 के 6। अब एक बार देखते हैं कि टाई और नॉर्मली इसमें क्या फर्क आ रहा है, तो यह टिन 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 टिन, ठीक है, और अगर इनके बीच में टाई होती तो भी क्या साउंड आता, टिन 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 टिन, तो फर्क नहीं पड़ेगा टाई हम लगाएं ना लगाएं। वैसे बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो टाई नहीं होता है, गलत होता है, ठीक है, रेस्ट के बीच में यूज नहीं होता। क्यों यूज नहीं होता, बिकॉज जरूरत नहीं, हम लोग यहाँ पर कुछ प्ले नहीं कर रहे तो दो बार साउंड नहीं आएगी, हमें बस बताना है कि रुक जा भाई यहाँ पर, तो रुकने के लिए तो आप लोग वैसे भी दिखा ही सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों आप लोग कभी भी रेस्ट के बीच में कभी भी टाई यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो आप लोग चाहे कोई सा भी रेस्ट हो, चाहे ये दो रेस्ट हो, आप लोग कभी इनमें बीच में ये यूज नहीं कर सकते, ठीक है, ध्यान देना।
गलती मत करना कभी, रेस्ट में आप लोग टाई यूज नहीं कर सकते, सिर्फ नोट्स में यूज कर सकते हैं, बिकॉज नोट्स की एक आवाज होती है जो कि हमें सिंगल साउंड चाहिए। अगर हम लोग टाई नहीं लगाएंगे तो दोनों साउंड्स अलग अलग आएंगे, कुछ ऐसे टिन टिन, और अगर टाई लगा देंगे तो वो एक साउंड आएगी टिन, ठीक है, जो कि हमें चाहिए, ठीक है। तो इतना, अब ये बात हो गई डिटेल में हमारी टाई के बारे में, इससे ज्यादा आप लोगों को कुछ जानने की जरूरत नहीं है अभी फॉर नाउ। बाकी आगे चल के हम लोग स्लर के बारे में बात करेंगे, जो कि मैंने आप लोगों को बताया था एक नोट से कैसे दूसरे नोट में हम लोग सस्टेन करते हुए जाते हैं। अब एक और चीज रहेगी सॉरी टाई की, जो कि हम लोग एक बार और बात कर लेते हैं, जैसे कि आप लोगों की 4x4 की मेजर्स बने हुए, ठीक है, यहाँ पर 4x4 बना हुआ है, जैसे कि 1, 2, 3 एंड ओके सॉरी 4, ओके फर्स्ट वाले में कभी भी मेजर नहीं लगता है, तो 1, 2, 3, 4। अब हम लोगों का क्या हो रहा है, जैसे कि यहाँ पर एक होल नोट है, ओके ध्यान से सुनना, फिर यहाँ पर एक होल नोट है, यहाँ पर एक होल नोट है और यहाँ पर एक होल नोट है। हम लोग चाहते हैं कि ये एक साथ साउंड करें, ठीक है। अगर ये 4x2 होता तो हम लोग क्या कर सकते थे, हम लोग इसमें बेसिकली एक जो आप लोगों का वो आता है ब्रीव आता है उसे लगा सकते थे, तो ये पहले ढोकले साउंड करता और फिर वापस से हमारा होता ये ढोकले साउंड करता लाइक दिस, ठीक है। ब्रीव का भी मैंने कभी आप लोगों को एग्जांपल नहीं दिया तो इसलिए आज दे रहा हूं, ठीक है। 4x4 में कभी आप लोग ब्रीव का यूज नहीं कर सकते क्योंकि ब्रीव एक मेजर से बड़ा होता है, ब्रीव कंसिस्ट कर रहा है दो मेजर्स को 4x4 की, जबकि आप लोगों का सिर्फ एक मेजर में एक ही नोट रखना होता है। लेकिन मैंने आप लोगों को बताया था कि ऐसे नहीं हो सकता कि आप लोगों ने यहाँ पर हाफ नोट रख दिया उसके बीच में कोई मेजर नहीं, उसके बाद आप लोगों ने प्ले करना स्टार्ट कर दिया, ये कोई तरीका नहीं है, ठीक है। तो बीच में मेजर का मतलब है यहाँ पर आप लोगों को रुकना है, तो आप लोग ये वाला जो आप लोगों का ब्रीव है ये आप लोग 4x4 में यूज नहीं कर सकते बिकॉज ये बड़ा नोट है, ठीक है, ये दो कंटेन करके चलता है अपने साथ, तो आप लोग इसे 4x2 में यूज कर सकते हैं। अब आप लोग क्या चाहते हैं कि आप लोगों का जो नोट है वो पूरे फुल आप लोगों का 4x4 जो आप लोगों का 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 इतना को कवर करें, ठीक है, डबल जो लाइन है वहां तक जाए, तो आप लोग इसे कैसे प्ले करेंगे, तो आप लोग क्या करेंगे, होल नोट से पहले होल नोट को जोड़ेंगे, फिर होल नोट से होल नोट को जोड़ेंगे, फिर होल नोट से होल नोट को जोड़ेंगे। तो इसका मतलब क्या है बेसिकली, ये अगर हम लोग इसे बिना बार लाइन से, समझो कि यहाँ पर ये लाइन्स नहीं होती, टाइज नहीं होते, तो हम लोग इसे प्ले करते हैं टिन 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 टिन, बट अगर हम लोगों ने इसको लगा दिया है सो दे विल साउंड लाइक टिन, एक सस्टेन होते हुए चलेगा, पहले नोट की आवाज आएगी और ये फिर चलते रहेगी, तो ये एक तरीका है, ठीक है। अगर सेम नोट बजाना है तो ऐसे आप लोग शो करते हैं, और यहाँ पर भी बिल्कुल सेम चीज है, सेम साउंड यहाँ पर भी आएगी, बट आप लोगों का टाइम सिग्नेचर चेंज हो जाएगा। और आप लोगों को पता है कि टाइम सिग्नेचर सिर्फ देखने वाले के लिए होता है, ना कि सुनने वाले के, सुनने वाले के लिए दोनों बिल्कुल सेम साउंड करेंगे, बिकॉज यहाँ पर भी आप लोगों का एक सेम नोट बज रहा है, टिन बस तो चले आ रहा है, और यहाँ पर आप लोगों के चार नोट्स हैं जो भी सस्ते रहते हैं, टिन दोनों बिल्कुल सेम है, ठीक है, इतना आप लोगों को ध्यान देना है। तो कोई लिमिट नहीं, आप लोग कितनी बार भी ये लाइन लगा सकते हैं, ये बेसिकली मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। यहाँ पर हमने 4 बार लगाई है, आप लोग 6 बार 8 बार कितनी बार भी सेम नोट को सस्टेन कर सकते हैं, और इसीलिए यूज भी आता है। आप लोग देखिए, अगर ये चीज नहीं होती तो हम लोग ब्रीव के बाद क्या उससे बड़ा यूज करते कि हम लोग सस्टेन कर पाते इतने सारे, ब्रीव है आप लोगों का, सेमी ब्रीव है, उनको हमने एक साथ जोड़ दिया जिससे कि हम लोग इतना सारा एक साथ प्ले कर सकें, एक ही नोट को इतना सस्टेन कर सके, वरना कोई सिंबल नहीं होता, अगर टाई नहीं होता तो कोई सिंबल नहीं है जिससे हम ये जस्टिफाई कर सकें कि हाँ भाई तू बसते जा बसते जा बसते जा बसते जा, ठीक है। तो ये एक और इंपॉर्टेंट रीजन है जिसके लिए हम लोग इस टाई का यूज करते हैं। सो बात कर लेते हैं हमारे सेकंड टॉपिक के बारे में, जो कि आप लोगों का डॉट, ठीक है, तो ब्रेक दी। सो अब पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कैसे इसे सिंबलाइज करते हैं, फिर हम लोग इसके बारे में बात करते हैं कि क्या ये बेसिकली शो करता है, ठीक है। तो डॉट्स का जो सिंबलाइजेशन है वो कुछ ऐसा है, जैसे कि आप लोगों का एक, सपोज आप लोगों का एक क्रोचेट बनाए, इसके बाद एक ऐसे डॉट बनाता है, ठीक है, और ये चीज आप लोगों को किसी भी नोट के साथ होती है, इट कैन बी विद हाफ, ठीक है, ये किसी के साथ भी हो सकती है, ठीक है। तो डॉट अगर किसी के पीछे लगा है तो उसका मतलब क्या है, ये हम लोग आज समझने वाले हैं, ठीक है। तो सिंबलाइजेशन करते हैं, राइट हैंड साइड में डॉट लगा होता है, ना ही नीचे ना ही ऊपर, ठीक है, हर एक चीज से सिंबल्स चेंज हो जाते हैं, तो ध्यान देना कि आप लोग हमेशा इसे जो भी नोट है उसके राइट हैंड साइड लगाए, ठीक है। तो ये है आप लोगों का सिंबलाइजेशन। अब बात करते हैं कि इसका रैली में मतलब क्या है, अगर आप लोगों को डॉट दिखाई दे तो उसका मतलब क्या है। डॉट भी आप लोगों के नोट्स के लेंथ को बढ़ाने के काम आते हैं, बट किसी फ्रैक्शन में, अगर आप लोगों को किसी नोट को किसी फ्रैक्शन में बढ़ाना हो तो उसमें ये काम आते हैं। लाइक हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोगों का अगर कोई टाई था, जैसे कि अगर एक एक नोट है, ठीक है, ये एक नोट है और एक हाफ नोट है, इन दोनों को अगर आप टाई करते हैं
तो ये साउंड कैसे करेंगे, ये जैसे कि अगर हम लोग इसको दो सेकंड समझो, ये दो सेकंड के लिए बज रहा है, ठीक है, तो ये एक सेकंड के लिए बजेगा, तो दोनों मिला के 3 सेकंड की एक साउंड आएगी, ठीक है, जो कि किसी नोट से सिंबलाइज नहीं हो सकती थी, बट हमने इन दोनों को टाई कर दिया तो ये 3 सेकंड की साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। एक और तरीका इसको दिखाने का वो है डॉट। हम लोग कैसे इसको दिखा सकते हैं, हम लोग हाफ नोट बनाएंगे और इसके आगे एक डॉट लगा देंगे, ये भी 2+1 3 के बराबर होगा। कैसे 3 के बराबर होगा, लेट्स जस्ट सी। डॉट का मतलब होता है कि जो नोट आपके पास है, जैसे कि हमारे पास ये नोट है, ठीक है, सपोज हमारे पास एक हाफ नोट है, इसके साइड में एक डॉट लगा है, और जो हाफ नोट था ये दो सेकंड में बज रहा था, तो ये डॉट कहता है कि जो भी नोट आप प्ले कर रहे हैं, अगर आप लोग उसके पीछे एक डॉट लगा देते हैं तो उस नोट की जो वैल्यू है उसका हाफ वैल्यू आप लोगों को और मिल जाती है सस्टेन। जैसे कि ये इसकी वैल्यू है कितनी, 2, ठीक है, 2 सेकंड्स की है, तो अगर आप इसके पीछे एक डॉट लगा देते तो +1 आप लोगों को सस्टेन मिल जाएगा। +1 क्यों, क्योंकि 2 का हाफ 1 है। अगर हम लोग बात करते हैं लाइक कि ये नोट अगर 4 सेकंड में बजाता, सपोज ये नोट 4 सेकंड में बजाता, इसके पीछे हमने एक डॉट लगाया, तो 4+2 बिकॉज 4 का हाफ और टाइम बढ़ जाएगा, 4 का हाफ क्या है 2, तो ये दोनों मिला के जाएंगे 6 सेकंड, ठीक है, तो आप लोगों को ध्यान देना है, और ये आप लोगों का इसके इक्वल आएगा बिकॉज इसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है, ठीक है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, इसकी वैल्यू हमेशा 1 नहीं होती, मतलब इसकी वैल्यू यहाँ पर 1 है, इसलिए ये चीज जो है ये डॉट से सिंबलाइज हो रही है, ठीक है, आप लोग चाहे तो इसे ऐसे भी दिखा सकते हैं और डॉट से भी दिखा सकते हैं, ठीक है, तो आप लोगों को डॉट भी हर जगह दिखाई देगा, तो इसका बेसिकली मतलब क्या होगा, आप लोग एक हाफ और एक जो आप लोगों का जो कि क्वार्टर नोट है, इन दोनों को एक साथ प्ले कर रहे हैं, इसका मतलब ये होगा दोनों के बीच में सस्टेन है, और आप लोग इसे ऐसे भी शो कर सकते हैं विद द डॉट। तो डॉट का सिंपली मतलब क्या है कि आप लोगों का जो भी नोट वैल्यू है उसका उसी का जस्ट हाफ और उसके पीछे ऐड हो जाता है। अगर ये 8 सेकंड के लिए बज रहा होता तो इसके पीछे 4 सेकंड और ऐड हो जाता, ठीक है, कीप दैट इन माइंड, ओके। तो ये हो गया आप लोगों का डॉट। अब आप लोगों का हल्का सा और इसको ढंग से समझा दो, इससे आप लोग कंफ्यूज ना हो कभी, ठीक है, तो कुछ ऐसे नोट बना देते हैं जैसे कि जो हाफ है, ठीक है, सॉरी हाफ, कोई हाफ नोट है और इसके पीछे लगा है एक डॉट, तो ये इक्वल होगा हमारे एक हाफ नोट के प्लस एक क्वार्टर नोट के, ठीक है, तो ये एक तरीके से सस्ते। अगर आप लोगों के क्वार्टर नोट के पीछे एक डॉट लगा है तो इसका मतलब क्या होगा कि एक क्वार्टर नोट है प्लस इसके पीछे एक आप लोगों का एट्थ नोट है, ठीक है, तो ये दोनों सस्ते हो जाएंगे। अगर आप लोगों का एक जो एट्थ नोट है उसके पीछे एक डॉट लगा है तो इसका मतलब क्या होगा, एक एट्थ नोट है और इसी के साथ एक 16th नोट जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये हाफ हाफ होते जा रहे हैं, ये इसका हाफ है, ये इसका हाफ है, ये इसका हाफ है, ठीक है, और यही सेम चीज वर्क करेगी आप लोगों की। वैसे इतना आगे कभी आप लोग बढ़ोगे नहीं, ऐसे कभी आप लोगों को दिखाई नहीं देगा, बिकॉज ये बहुत ही छोटा टाइम पीरियड है, बट तब भी अगर आप लोगों को दिखाई देता है तो यहाँ पर क्या है, इसका मतलब बेसिकली क्या है कि आप लोग एक 16th नोट प्ले कर रहे हैं और इसी के साथ सस्टेन करके आप लोग 32nd नोट प्ले कर रहे हैं, ठीक है, तो ये है आप लोगों के कुछ जो आप लोग यूज कर सकते हैं। राइट हैंड साइड लगता है छोटा सा होता है, ठीक है, अब ये तो हो गई सिंगल डॉट की बात, अब ऐसे कभी कभी आप लोगों को डबल डॉट भी दिखाई दे सकते हैं, लाइक एक नोट बना है हाफ नोट, ठीक है, जिसकी वैल्यू है 8 सपोज ना, और इसके बीच में दो डॉट का मतलब क्या होगा बेसिकली कि आप लोगों ने सबसे पहले एक तो हाफ बनाया प्लस आप लोगों ने एक बनाया क्वार्टर और इसके पीछे एक बनाया 8th नोट, तो ये कुछ ऐसा होगा, ठीक है, इसकी वैल्यू होगी 8+4+2, क्योंकि 8 का हाफ 4 जो कि यारा डॉट शो कर रहा है 4, और 4 का हाफ 2 जो कि यारा डॉट शो कर रहा है, तो ये टोटल बजेगा आप लोगों का कितना, 4+8=14, ठीक है, 14 सेकंड्स के लिए बजेगा। अगर ये सिर्फ 8 के लिए बज रहा था तो इसके पीछे दो डॉट्स का मतलब है 4+2, और अगर इसके पीछे एक और डॉट होता यू कैन कंसिडर इट एज दिस, और इसके पीछे एक और ये जुड़ जाएगा। वैसे ये आप लोगों को कभी नहीं दिखाई देगा, कभी भी नहीं, बट कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो ये भी आप लोगों को मिल सकता है, तो बेसिकली सस्टेन होते जाते हैं, तो इसमें और उसमें फर्क है, इसके यूजर्स अलग है, उसके यूजर्स अलग है, बट दोनों आप लोग एक दूसरे से भी कर सकते हैं, जैसे कि ये इसको सिंबलाइज भी कर सकता है और ये इसको सिंबलाइज भी कर सकता है। सो एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हमारी जो हमारे डॉट्स की है वो ये है कि हमारे जो डॉट्स होते हैं वो कभी भी नोट हेड के राइट हैंड साइड लगते हैं, ठीक है, राइट हैंड साइड लगते हैं, तो मैंने आप लोगों को बताया नोट हेड के राइट हैंड साइड लगते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे आप लोगों को नोट हेड नीचे है तो आप लोग नोट हेड के राइट हैंड साइड लगाएंगे, ऊपर है तो उसके राइट हैंड साइड लगाएंगे, और कभी भी इसको लेफ्ट हैंड साइड नहीं लगाना है,
ठीक है, और स्टेम के राइट हैंड साइड ही लगाना है, ठीक है। तो ये तीनों चीजें रॉन्ग है, ओके, फ्रॉम हेयर टू हेयर, ये राइट है और ये राइट है, ठीक है। हमेशा राइट हैंड साइड होना चाहिए, वो भी हेड के साथ, ओके। तो ये हो गया आप लोगों का एक और प्रॉपर्टी जो कि इंपॉर्टेंट थी, तो इतना ध्यान देना, क्योंकि ये गलती आप लोगों से हो सकती है कि आप लोगों ने एक नोट बनाया और नीचे स्टेम के साथ इसे लगा दिया, ठीक है, कॉमन मिस्टेक है। तो ये मत करना, आप लोगों का ये नोट यहाँ पर लगेगा, राइट हेयर, ओके, नोट हेड के राइट हैंड साइड। सो ये हो गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। नोट हेड भी आप लोगों का सिमिलर लग रहा है आप लोगों के टाइस के जैसा, ठीक है, बिकॉज दोनों एक दूसरे को शो अप कर सकते हैं एक दूसरे को। डिफरेंस आ जाता है, पहली बात तो ये कि कभी भी आप लोग डॉट से सेम वैल्यू शो नहीं कर सकते। जैसे कि अगर आप लोगों ने यहाँ पर एक डॉट बनाए क्रॉचेड नोट के साथ, तो इसका कभी भी मतलब ये नहीं हो सकता कि दो क्रॉचेड एक साथ प्ले करने हैं, ठीक है। इसका मतलब हमेशा यही होगा कि जो ये वाली वैल्यू है उसका हाफ यहाँ पर प्ले होगा, समझ रहे हो। कभी भी अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग सेम वैल्यूज को डॉट से नहीं शो कर सकते, डिफरेंट वैल्यू को, एक वैल्यू उसका हाफ, उसका हाफ, उसका हाफ, ठीक है। तो एक तो ये डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है, ठीक है। आप लोग ये शो नहीं कर सकते कि अगर आप लोगों को दो नोट्स प्ले करने हैं एक साथ, ठीक है, सस्टेन करके लाइक दिस एंड दिस, ये आप लोगों के दो नोट्स बने हुए हैं, दो हाफ नोट्स, तो ये कभी भी आप लोग डॉट से शो नहीं कर सकते, बिकॉज डॉट्स के पीछे अगर आप लोग दो डॉट लगाते हो तो उसका मतलब कुछ और ही हो जाता है, सिंगल डॉट का मतलब कुछ और ही जाता है। तो ये चीज आप लोग डॉट से नहीं शो कर सकते जो कि दोनों नोट सिमिलर है, ठीक है, तो इतना ध्यान देना। अब एक चीज ये है कि जब हमने टाई की बात की थी तो हमने एक चीज देखी थी कि दो क्रॉचर एक साथ बने हुए थे, ठीक है, इनके बीच में वो थी मेजर लाइन थी, ठीक है, और इसमें हम लोग सस्टेन कर रहे थे। तो ये भी शो करने का तरीका नहीं है डॉट्स में, बिकॉज अगर हम लोग एक ये लेते हैं और इसके राइट हैंड साइड डॉट लगा देते, पहली बात तो ये इसके इक्वल ही नहीं हो पाएगा, बिकॉज ये दोनों नोट सेम है। बट सपोज ये नोट ऐसा था, तब भी ये चीज इसे शो नहीं कर सकती, बिकॉज ये जो डॉट है ये नोट मेजर लाइन के लिमिट्स को पार कर रहा है, तो ये रॉन्ग है और ये राइट है। तो इतना ध्यान देना कि आप लोग डॉट्स को मेजर लाइन से जस्ट पहले यूज नहीं कर सकते अगर आप लोगों का मेजर पूरा भर चुका है, ओके। तो ये हो गया एक और डिफरेंस, ठीक है, इन डिफरेंसेस को नोट डाउन कर लेना, कंफ्यूजिंग है, भूल सकते हो, ठीक है। एक और जो बहुत ही बड़ा डिफरेंस है वो ये है कि आप लोग डॉट रेस्ट में भी यूज कर सकते हो। तो अगर आप लोगों के क्रॉचेट जो आप लोगों का हाफ जो सॉरी क्वार्टर नोट का रेस्ट है, अगर आप इसके बाद डॉट लगा देते हो, इसका बेसिकली मतलब क्या हो जाता है, आप लोगों का एक क्वार्टर नोट का रेस्ट होगा, प्लस आप लोगों का एक हो जाएगा किसका रेस्ट, जो कि आप लोगों का एट्थ नोट का रेस्ट होता है। अगर आप लोग सिर्फ दो डॉट्स लगा देते हो, इसका मतलब प्लस आप लोगों का एक और नोट जो आप लोगों का रेस्ट है वो जुड़ जाएगा, ठीक है। इसके पीछे आप लोग एक डॉट लगा सकते हैं, दैट इज अप टू यू, ठीक है। तो ये है आप लोगों का, अगर ये सिर्फ 4 सेकंड के पीछे दो डॉट्स लगे तो मतलब 4+2+1, ठीक है। ये चीज आप लोग डॉट्स में शो कर सकते हैं, टाइज में शो नहीं कर सकते। टाइज में कभी आप लोग टाई नहीं बनाते हैं दो नोट्स के बीच में, ठीक है, वहां पर आप लोगों का हल्का सिंपल बन जाता है। अगर आप देखो यही चीज टाई से शो करनी होती है तो आप लोगों को तीनों ये बनाने पड़ते हैं, बट डॉट से आप लोग जस्ट एक ही सिंबल से इन तीनों को एक साथ बनवा दे रहे हो, तो यहाँ पर हल्का सा सिंपलिसिटी मिलती है, ठीक है। तो ये हो गए कुछ डिफरेंसेस दोनों के बीच में, ठीक है। तो इनको ध्यान देना, हल्का सा समराइज कर लेते दोनों चीजों को। टाइज आप लोगों की कब काम आती है, जब आप लोगों को सेम नोट वैल्यू चाहिए होती है, आप लोगों को क्वार्टर नोट और इसी के बाद क्वार्टर नोट चाहिए और दोनों आप लोगों को साउंड चाहिए, टिन के साउंड है तो आप लोग इसे यूज करते हैं, ठीक है। बट उसमें क्या होता है आप लोगों का, उसमें आप लोग ये चीज नहीं कर सकते। उसमें अगर आप लोगों ने ऐसा करके कुछ डॉट मार रखा है तो इसका बेसिकली मतलब होता है कि एक नोट है, ठीक है, और उससे जो नोट टाई है वो जस्ट हाफ है इसका। तो यहाँ पर आप लोगों का क्वार्टर नोट के साथ आप लोगों का एक जो एट्थ नोट है वो ऐड होगा, ठीक है। कभी भी क्वार्टर के साथ क्वार्टर नहीं हो सकता, ये फर्स्ट डिफरेंस है। सेकंड डिफरेंस क्या है, आप लोगों को ध्यान देना है कि कब हम लोग इनको यूज करते हैं। मेजर लाइंस के बीच में आप लोग कभी इसको यूज नहीं कर सकते, ठीक है। डॉट को इसको यूज कर सकते हो, ठीक है, ये यहाँ पर से, बट यहाँ पर ये नहीं हो सकता बिकॉज मेजर लाइंस के पार पहुंच जाएगा। ये आप लोग रेस्ट के लिए यूज नहीं कर सकते, ठीक है, रेस्ट के लिए यूज नहीं हो सकता, ये यूज हो सकता है। अगर आप लोग बात करें और कोई डिफरेंस तो आप लोग यू नो कुछ चीज़ें ऐसी जो आप लोग यहाँ पर नहीं कर सकते, वैसे मैंने आप लोगों को सारे डिफरेंस बता दिए। तो होप करता हूँ आप लोगों को ये चीज़ समझ में आएगी, आप लोगों को टाइज और डॉट्स का भी यूज़ करना है, ये आप लोगों को हल्का सा जब आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, जब आप लोग देखेंगे म्यूजिक को, तो आप लोगों को ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। बट फॉर नाउ इतना आप लोगों के काफ़ी था। सो यही था लेसन, होप करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक मार देना और मैं आप लोगों के लिए ऐसी वीडियोस बनाते रहूंगा। अगर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब माने तो सर्कल में क्लिक मारकर आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। दूसरी वीडियोस देखने के लिए आप इन बॉक्सेस में क्लिक मार सकते हैं। मैं आप लोगों से मिलता हूं अगले लेसन में। टिल देन बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।